बीते कल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों 300 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री पंजाबियों नूं देण दा ऐलान कीता गया, जिस तों बाद के हुण विरोधी उन्हां नूं घेरदे नज़र आ रहे ने। अकाली आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा वल्लों भी पंजाब सरकार दीआं इन्हां कारगुजारियां दे उत्ते वड्डे सवाल चुके जा रहे ने। उन्हां ने सब तों पहलां तां इह गल आखी है कि बेशक इह बिजली मुफ्त कर रहे ने, पर सब तों वड्डी इह गल है कि बिजली मुफ्त करन दा फायदा की है, जदों कट तां पंजाब दे विच लंबे लंबे लगने शुरू हो गए ने। नाल ही उन्होंने यह गल भी की है कि बिजली मुफ्त करन दी बजाए बिजली सस्ती कर देना ज़्यादा जरूरी सी। एक पासे पंजाब दे विच जिहड़ियां अणसुखावीआं घटनावां वापरियां ने, जिवें कि फसलां नूं अग लग जाना, उस दे नाल पंजाब दे विच फसल दा झाड़ कट जाण नूं लै के भी प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि सीएम भगवंत सिंह मान इस मामले दे उत्ते हाले तक एक भी शब्द नहीं बोले ने। होर की कुछ कहा चंदूमाजरा ने, आओ सुणदे आं। कहना भी देखो हुण कणक दा झाड़ निकलिआ घट, कणक दे झाड़ घट निकलदे अजे तक मुख्यमंत्री साहब ने इक मूंह तों इक शब्द नहीं बोलिआ। बेमौसमी बारिशा हुई, मार्च महीने में गर्मी ज़्यादा हुई, 4 क्विंटल तो लैके 8 क्विंटल तक कणक का झाड़ घट निकलिया, 10,000 रुपए प्रति एकड़ झा नुकसान होया पंजाब के किसान का। सरकार नू मतलब नेचुरल कलेमिटी का केस तैयार करके डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के विचों पैसे लैण लई मंत्रियों की टीम भेजनी चाहिए सी, अफसर की टीम भेजनी चाहिए सी, केजरीवाल को टीम भेजन की थान बल्कि मोदी साहब को टीम भेज दे, जहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को टीम भेज दे, वित्त मंत्री को टीम भेज दे, ताकि पंजाब के किसान की नुकसान की भरपाई हो सकती। घट्टो घट 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देना बनता केंद्र से, दबाव पाओगे ता ही देगा केंद्र, मंगोगे ता ही देगा केंद्र। अजे तक तो कुदरती आफते नहीं निकली खराब सकी पंजाब सरकार। और मैं तो यह भी राय देवगा कि 250 रुपया प्रति क्विंटल पंजाब सरकार दे, 250 रुपया प्रति क्विंटल केंद्र दे, क्योंकि ज एक महीने के जो भी आपकी सरकार बनी आ उदों तो लैके अज तक करोड़ों रुपया वैट के रूप के तेल दियाँ वधिया कीमतों करके वाधू उगरा लिया पंजाब के खजाने, जिहड़ा वाधू पैसा उगराया गया वैट के रूप के तेल दियाँ कीमतां वधन करके, उही पैसा जो दसवां दे दें तां वी कम सर सकदा, ते केंद्र ते दबाव पै सकदा भी 250 रुपया वह दे दें तां किसान बचेगा। हुण तां नवार्ड पैसे देने तो हथ खड़े करके सहकारी खेतर के अदारे बंद हो जाएंगे, न जिहड़े आढ़ती आ पैसा नहीं दे रहे, तो करजा किसान नूं मिलिया ना, अगे नूं ठेके ते जमीनां नहीं चढ़ रही, हाहाकार मच जाणी आ। सो इस स्थिति नूं संभालण दी लोड़ आ। वो एक महीना किसी सरकार की कारगुजारी जो अजमैश करने कोई बहुता नहीं होंगे, क्योंकि सरकार के काम कार देखने परखने समा तो लगता, पर जी आप पार्टी सरकार आ ये जिस तरह चमत्कार दिखाती है, जिस तरह चमका के छोटी जी गल दिखाती है, उस करके कुछ गल्ला सानू अज कहनिया पै रही एक महीना भी जाने के बाद भी। मैं समझता कि जी 300 यूनिट बिजली की वो गल आ, पहली गल तो 200 यूनिट तो पहले ही माफ है, 100 यूनिट हो गया ना जी, तो 100 यूनिट के बाद भी फिर एक तरीक लंबी पाती, वादा तो फिर अप्रैल तो किया, बल्कि वादा तो घंटे से गया से भी घंटे बाद ही थोड़ा बिजली माफ होजूगी, तो हूँ तरीका अदालतों वागू लंबिया पाउनिया शुरू करती, फिर बिजली के कट जे लग रहे हैं। आप सरकार जदों की आई आ उस दिन तो बिजली के लंबे कट लगने शुरू हो गए, लोग बिजली भी चाहते हैं ना, कल बिल माफ वाली गल नहीं ना, अजय बिजली में मेरे बिल माफ की करा, इस करके अजय स्थिति भी स्पष्ट नहीं है 300 यूनिट बिजली माफ की जी, भी जो 300 तो उपर बिल आऊगा तो वह की होएगा, तो वह की रेट होएगा, तो पहले 300 का की बनेगा फिर। तो अजय क्योंकि केजरीवाल साहब ने एक बार बयान दे के कन्फ्यूजन खड़ा किया, जो 300 के उत्ते बिजली फूकेगी तो पहले 300 तक बिल लगेगा, वो बारे स्थिति अजे तक स्पष्ट नहीं हुई, फिर ट्यूबवैलों से बिल लाने दी कसमां भी लग रही ने। अजे 3 महीने जानी कन्फ्यूजन से रखने का फैसला मैं जो नज़र आ रहा, इस तरह 3 महीने के इस महीने के जिहड़ियां कतलोंगार दी वारदातें हुई, कतल होए ने, यह भी रिकॉर्ड आई गल, और यह भी बड़ी भय तो सहम वाला माहौल पैदा होया, भावें एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई आ पर वो फोर्स भी टास्क फोर्स है जी, वो भी कद मैंबर बदलते, कद हैड बदलते, कद कुछ करते, उनकी भी अजे कारगुजारी सामने नज़र नहीं आई, बल्कि जिन्या भी वारदात हुई उन्होंने जोड़े मुख्य दोषी ने वो अजे तक उन्होंने बहुत सारे नहीं फड़े गए। फिर आ जरा मैं समझता एक महीने के पंजाब के अंदर केंद्र की जी दखलदाजी आ, केंद्र की तो दखलदाजी वधी वधी आ, मतलब केंद्र की अधीनगी भी प्रवान कर ली, केंद्र की दखलदाजी से खुद मोहर आप ला ली,
जो 1100 करोड़ रुपए सेंट्रल आरडीएफ दे रहन करके जिहड़ा आर्डीनेंस जारी किया केंद्र दीआं हदायतां अनुसार खर्चा करन दा, उह मतलब उन्हें एक किस्म का सीधी दखलदाजी केंद्र की प्रवान कर ली। और जिते BBMB के मामले के जिते सिडको के MD के मामले के जिते डैमां का कंट्रोल CISF नूं देण दे मसले के मतलब आवाज़ असू देण दे मसले के मतलब आवाज़ बुलंद करन दी लोड़ सी, उत्थे कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई, कोई प्रोटेस्ट जारी नहीं होया, कोई मतलब केस स्ट्रोंगली पंजाब दा नहीं रखा गया। सो एक महीने के कुछ ऐसा गल्लां हुईयां ने जिहड़ियां चिंता वालियां भी ने, क्योंकि पंजाब नूं इस देश दे विच फैडरल ढांचे का मदई गिणिया गया, पंजाब नूं इस देश दे विच सूबिआं नूं वध अधिकार देण वाला एक मतलब पहलकदमी वाला सूबा गिणिया गया। तो उस सूबे विच ही केंद्र की सीधी दखलअंदाजी प्रवान कर ली जाए तो फिर कुदरती तौर पर चिंता वाली गल आ। ये कुछ ऐसा चिंतावान ने फिकर ने जोड़े मैं समझना एक महीने प्रगट हुए हैं। और पंजाब सरकार वालों जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब न फाइलों भेज के गुप्त भेज सूबे के दूजे मुख्यमंत्री साहब के हवाले किए ने, अफसर तो सलाह ली जा सकती है, राय मशवरे किए जा सकते हैं, पर फाइलों नहीं मतलब किसी दूजे सूबे को दी जा सकती, फाइलों लैके अफसर जान तो यह भी एक गैर विधान कार्रवाई हुई इस महीने के। सो कई कारनामे ऐसे हैं जो गिनन योग रिकॉर्ड से इतिहास रहेंगे याद एक महीने के आप पार्टी वालों किए। असी आस करते हैं चलो नवी सरकार आ नवे बंदे हैं और समा भी देना चाहिए और संभल का मौका भी देना चाहिए, पर सियाने कहने भी बंदा जो संभल सीखे तो संभले तो कोई गलतियां माफ हो सकती ने, पर जे नोइंगली और किसी मतलब अधीनगी हेठ गलतियां होन तो कदे माफ नहीं हो सकती। सो ये फैसला जी आपकी लीडरशिप आ उन्हें करना होगा कि आने वाले समय के किमें ये गलतियां दुरुस्त करके पंजाब नू आसां विदां जिहड़ियां नवा फतवा दे के नवा बदल लभण दीआं पंजाब दे लोकां ने कीतियां ने, वह आसां विदां ते सरकार पूरी उतरे। असीं तां ही चाहांगे और असीं सहयोग भी देवांगे पंजाब दी बेहतरी लई, पंजाब दी तरक्की लई, पंजाब दे विच अमन भाईचारा शांति बनाई रखण दे लई।